तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं? मैं रीना ठाकुर आप सभी को अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, और मैं भी अपने कामों में व्यस्त हूँ। तो मैं एक न्यू ब्लॉग लेके आ रही हूँ आप लोग के सामने। आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए, आज हमारी किचन में बन रही है दाल कचौड़ी। ये दाल कचौड़ी बन रही है और ये सत्तू है, सत्तू पूरी बन रही है। तो दाल कचौड़ी मैं आटे की बनाऊंगी, गेहूं आटे की, और मैदा की बनाऊंगी सत्तू पूरी। तो देखिए, बने रहिए, आप लोग को भी खाने को मिलेगी, तो बने रहिए। देखिए, इधर मैं कढ़ा गर्म होने के लिए रख दी हूँ और कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए और हमारे वीडियो को प्यार दीजिए, ताकि मैं नई नई रेसिपी आप लोग के लिए अपलोड करूँ। तो देखिए फ्रेंड, हमारी तेल गर्म हो चुकी है और इसमें मैं पूरी डाल रही हूँ। एक बना भी चुकी हूँ, तो कितने गरम गरम पूरी, फुले फुले पूरी बन रहे हैं। तो लगे रहिए। तो देखिए, हमारी फुली फुली पूरी हो रही है ना, फुली फुली नरम नरम पूरी। तो आप लोग भी हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, ताकि मैं सही रेसिपी नई नई डालते रहूं। कंटिन्यू रहिए हमारे ब्लॉग के। तो ये रही दाल पूरी। चने दाल से दाल पूरी बना सकते हैं, चने दाल से ही बनता है। चने दाल को फुला के बनाइए या बन करके बनाइए, इसको फ्राई, लेकिन बहुत टेस्टी रहती है। नाश्ता में आप लोग बच्चों को बना दे सकते हैं पूरी और अचार या दही के साथ। देखिए, हमारी दाल पूरी भी कितनी फूली फूली बन रही है। मैं ऐसे ही विंडोज पे लगा के फोन रखी हूँ, पूरा नहीं दिखा पा रही हूँ, इसके लिए ऐसे बता रही हूँ। और अकेली हूँ, एक जने बनाने वाले एक जने छानने वाले नहीं है, तो मैं उसी प्रकार से बना रही हूँ। आप लोग भी ट्राई करिएगा ऐसे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी दाल पूरी कैसी दिख रही है। तो जल्दी जल्दी आइए फ्रेंड, मेरी दाल पूरी और सत्तू पूरी खाने के लिए। देखिए, मैं ठेला लगा रही हूँ नाश्ते की, जिसको जिसको खाना होगा वो मेरे ठेले पे बंडी पे जरूर आना और सत्तू पूरी और नाश्ता करके जाना, बिल्कुल फ्री 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 में। देखिए, इतना मैं बना चुकी हूँ और मुझे क्या है, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले से नहीं होता है। तो इसको बंद करके फिर से पूरा लोई बना लूँगी, इसके बाद बेल के छानूंगी। बाय।